मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बस मैं नहा के आई हूँ और अभी पहनी है मैंने ये विंटर वाली कुर्ती। तो ये विंटर की कुर्ती है, मैंने पिछले साल ली थी मार्केट से, यहीं से गाजियाबाद से। और कैसे हैं आप सब बताना, करना चाहे इधर। तो किचन में ही हूँ सबसे पहले, यहाँ तो शुरुआत किचन से ही होती है, मैं ब्लॉग शुरू किचन से ही करती हूँ। बस नहा ली हूँ अक्षिता छत पे, उसको भी नहला दिया है। और आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया है, आज बस नॉर्मल चाय और लड्डू से चाय पी रही है। और अब आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। तो आज था कि छोले भी मम्मी ने बॉईल कर दिए हैं, मैं बस अभी छोले का पूरा सामान मम्मी ने रेडी कर दिया है। वैसे तो बस आटा वगैरह लगाऊंगी बनाने के लिए, इसका ना बहुत लाइट सा कलर है। तो इस पे इस तरीके का डिज़ाइन है और इसका ये फ्रोजी सा कुछ ग्रीन शेड कलर है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को भी, बहुत सुंदर लगता है। मतलब ये वाला मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा है ये कढ़ाई वाला, ये जो फूल है ना इसके, ये एकदम से कड़े हुए डिज़ाइन है। ये विंटर की है, विंटर मतलब गर्म है, पिछले साल ली थी पहनी नहीं, ऐसे ही रखी थी, तो मैंने सोचा चलो अब पहन लेते हैं। और चाय देख रही हूँ मैं, चाय बन रही है। सारी मतलब कुर्तियाँ विंटर की हैं उनमें से पहनती हूँ, लेकिन इसको मैंने अभी पहना है। मेरी दो तीन कुर्तियाँ ऐसे ही कि मैंने पहनी नहीं है, वो ऐसे ही रखी हैं। तो ये तो यहाँ पे छोले भटूरे, छोले बनाने के लिए मैंने लिया है कुछ खड़ा मसाला, जिसमें जीरा है, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी है और एक तेज पत्ता है, और प्याज भी मैंने पीस लिया था साइड में। तो बस अभी यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल इसके, और इसके बाद मैंने जो है प्याज और जो लहसुन था ना उसका पेस्ट बना लिया था दोनों को मिक्स करके, तो अभी वही डाल दिया है दोनों को। और इन दोनों को अच्छे से भून लेंगे ब्राउन होने तक, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता ना प्याज, तब तक इसे हल्के फ्लेम पे इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। तो अभी बस मैं इसको काफ़ी अच्छे से भूनूंगी, इसमें अगर प्याज अच्छे से हो जाता है ना तो समझो छोले भी बहुत अच्छे बनेंगे। और अभी हम यहाँ पे ना मस्ती भी कर रहे थे, मेरा भाई खड़ा है, वो कुछ बोल रहा था मेरे से, तो बस थोड़ी बहुत ऐसे ही हंसी मजाक भी करते रहते हैं हम जब भाई बहन सब साथ में होते हैं चारों, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी मैंने ये खड़े मसाले डाल दिए हैं प्याज डालने के बाद, अभी प्याज ना हुई नहीं है मतलब अच्छे से, अब ये दोनों एक साथ होते रहेंगे। और अभी साइड में यहाँ पे चाय भी बन रही है, मॉर्निंग का टाइम था, मतलब ज़्यादा मॉर्निंग भी नहीं थी, दोपहर बीच का टाइम था, तो चाय भी बनती रहती है मानो। और अभी इसमें जो कट किए हैं टमाटर और हरी मिर्च दोनों को डाल दिया है, टमाटर मैंने पेस्ट नहीं बनाया था ऐसे ही कच्चे ही डाले थे। तो साइड में चाय भी बन गई है और यहाँ पे ना टमाटर को भी मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी बिल्कुल, ये भी एकदम से गल जाने चाहिए इसी के अंदर। और ये है मम्मी की मसालेदानी जिसमें मम्मी अपना मसाला रखती हैं, तो खूब भर भर के मम्मी ने रख रखा है, घर का ही बना हुआ है सारा, बाहर का नहीं है। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है, हल्दी जितना भी डालना है उसके हिसाब से, मिर्च, ये मिर्च ना बिल्कुल लाल वाली तीखी नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया, और ये MDH का चना मसाला, ये छोले मसाला भी है चना मसाला दोनों है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको 2 चम्मच डालूंगी, 2 चम्मच के करीब लगभग, एक डाल दिया, एक बाद में भी डाला था। और अभी यहाँ पे ये टमाटर में ना थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि जल्दी से गल जाए, और बस इनको अच्छे से ये जब हो जाएंगे इसके बाद मैं जो मसाला है ना, जो नॉर्मल मसाला, खड़े मसाले तो मैंने पहले ही डाल दिए हैं इसमें जो भी मेरे को डालने हैं, और जो मसाला इसको नमक डाल के अभी पानी डाल के थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, इसको रख दूँगी बस थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और जो मैं छोले बना रही हूँ ना इसमें मेरे को ज़्यादा मसाला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मतलब ठीक बनाना है मीडियम, क्योंकि घर पे ना पापा वगैरह हैं तो वो ज़्यादा मसाला भी खाना पसंद नहीं करते और ना ज़्यादा पतला खाना पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से पानी भी डालना है, वरना मैं थोड़े गाढ़े ही बनाती है वाले भटूरे के साथ, तो उसी हिसाब से मैं रखूँगी, ना पतले हों ना ज़्यादा गाढ़े हों और मसाले भी ज़्यादा ना हो, ठीक हो मतलब। तो बस यहाँ पे एकदम ये मसाला जो है ना ये भी अच्छे से काफ़ी भुन गया है, बिल्कुल रेड रेड कलर हो गया इसका, और इसने तेल भी छोड़ दिया है। और तो इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें जो मैंने छोले रखे हैं बॉईल किए हुए, तो जो छोले थे वो मैंने आधे तो फोड़ दिए थे, मैं ना आधे ना मैश कर देती हूँ और आधे, इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है और अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करके और इसमें डाल देंगे पानी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डालना है, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी और ज़्यादा
पतला भी नहीं रखूँगी। तो बस यहाँ पे कुछ किचन में बर्तन भी थे, वो भी मैं साइड की साइड करती जा रही थी। मतलब कुछ बनाओ तो ऐसे थोड़ा गंदा हो जाता है किचन, तो साथ के साथ साफ़ भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे साइड में। तो छोले भटूरे का काम मैंने किया था, अधिकतर मम्मी ने नहीं बनाए थे, मतलब मैंने बनाए थे। मम्मी ने सारी चॉपिंग वगैरह करके रख दी थी और मेरी सिस्टर ने काफ़ी हेल्प, सिस्टर तो खैर हमेशा हेल्प ही कराती हैं। तो बस यहाँ पे पानी भी डाल दिया मैंने जितना मेरे को लगा, तो ज़्यादा मसाले भी नहीं है इसके अंदर। तो बस अभी इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक मैं अपना ये आटा डो जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और अभी इसमें डाल दिए सूजी। सूजी को मैंने पहले ही चेक कर लिया था इसमें कीड़े वगैरह ना हों, तो एकदम साफ़ था। और ये है खाने वाला सोडा होता है ना, वो डाला है, काफ़ी अच्छा था ये क्या कहते हैं सोडा, इससे एकदम फ्लपी फ्लपी हो गए थे। और ये दही है जो घर का दही है, जो अभी मम्मी लेके आई थी, मैंने बताया था आपको मामा के घर से दूध दही लेके आई हैं। तो कम से कम 4-5 जो चमचे हैं वो डाल दिए थे मैंने इसके अंदर। तो बस अभी यहाँ पे ये आटा डो है लग के रख दिया है थोड़ी देर के लिए ना, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी घी वगैरह लगा के। और जब ये थोड़ा सा फूल जाएगा, 1-2 घंटे के लिए लगभग छोड़ूंगी, उसके बाद इसको दोबारा से अच्छे से गूंदेंगे, फिर ये काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, इसकी सूजी वगैरह सब फूल जाएगी। जब तक मैं यहाँ पे अपने आलू तैयार कर लेती हूँ। आलू के लिए मैंने लिया है यहाँ पे प्याज, सीधा मैंने सरसों के तेल में प्याज डाल दिया है, थोड़ी सी चॉप करी थी और ये लंबा लंबा दोनों तरीके की। तो यहाँ पे छोले तो साइड में बन गए थे, ऊपर से डाल दिए मैंने हरी धनिया पत्ती, तो छोले बन के बिल्कुल रेडी हो गए। और यहाँ पे प्याज भी अच्छे से हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ये जो आलू है ना वो डाल दिए हैं। और आलू में मैं कोई मसाला वगैरह ज़्यादा नहीं डालूंगी, मतलब खड़ा मसाला, इसमें मैं गरम मसाला मम्मी का पिसा हुआ रखा है वो डालूंगी। तो हल्की सी मैंने यहाँ पे डाली है लाल मिर्ची, हल्दी डाली है और धनिया पाउडर डाला है। इसके बाद नमक डालूंगी और जो हमारा घर का मिक्स गरम मसाला होता है ना वो भी इसमें थोड़ा सा डालूंगी। तो ये आलू छोले के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे भी गरम मसाला वही वाला डाल दिया जो घर पे बना होता है हमारे। तो छोले के साथ ना आलू आपने देखा होगा बाहर भी मिलते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे ये जो बड़े बड़े आलू थे ना पीसेस, मैंने छोटे छोटे कट कर दिए हैं। तो ये तो मेरे बन के तैयार हो गए आलू, और हरा धनिया भी डाल दिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से जब मैं बना रही थी इसे। तो बस इसे ढक के थोड़ी देर के लिए होने देंगे, ये आलू भी तैयार है। और अभी यहाँ पे ये डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है बनके, तो इसको अलग परात में रख दिया था जो साफ़ थी, और वो वाली धोने के लिए डाल दी थी। तो बस अब भटूरे बनाने की तैयारी है, तो कढ़ाई बिल्कुल रख दी है दूसरी वाली, और बस भटूरे बना रही हूँ मैं। और मेरी सिस्टर ने बनाए थे तो सारे भटूरे ऐसे ही बने थे, बहुत फूले फूले से और बहुत अच्छे से बने थे। और ये ना मस्टर्ड ऑयल में, मतलब सरसों के तेल में बनाए हैं, रिफाइंड वगैरह तो ज़्यादा हम खाते नहीं हैं। तो अगर आप सरसों के तेल में बना रहे हैं तो थोड़े येल्लो येल्लो कलर सा हो जाता है इनका, वरना रिफाइंड में बिल्कुल वाइट बनते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं अक्षिता को खाना खिला देती हूँ पहले, तो अभी अक्षिता को ही खाना खिला रही हूँ यहाँ पे। और अक्षिता को ना भटूरे आलू के साथ ज़्यादा, छोले भी अच्छे लगे उसे और पूरी मतलब अच्छा लगा खाना उसको भी। तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे बना रहे हैं दोनों खाना मिलके। और बस यहाँ पे मैंने प्लेट भी लगा दी है, तो उसमें छोले हैं, चावल भी बनाए थे थोड़े से, भटूरे हैं, आलू हैं, और मम्मी ने बनाई थी हरे धनिए की वो चटनी बनाई थी। बाहर सुखा, बाहर रख दिया इसको प्लांट, अच्छा लग रहा है उसको। हाँ प्यारे प्यारे घोड़े को आज प्लांट रख दिया बाहर निकाल के, ये वाला अच्छा लगता है ना अक्षु, ये वाला प्लांट। हेलो, चलो छत पे चल रहे हैं। तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये वाला प्लांट मेरे पास नहीं है वाला पौधा, वो खिलाऊंगी।
ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं वाला। अब बड़े हो गए, पहले मैं थे छोटे छोटे से थे ये। नहीं बेटा तोड़ो नहीं, नहीं तो चलिए यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।